आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई पनीर। ये बहुत ही रिच ग्रेवी है, लोग इसे खाने रेस्टोरेंट और ढाबे में जाते हैं, पर आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे, वो भी ज़्यादा रिच और ज़्यादा टेस्टी। तो बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई पनीर। मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर डालूंगी। बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, ये मैंने 1 बड़ी प्याज को पीस लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था, इसे मैं डाल दूंगी। हम चला लेंगे, मैं इसे लाइट पिंक हुए तक के भूनना है। ऑनियन पेस्ट लाइट पिंक हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शाजीरा, इसे चला लेंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमने ऑनियन पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी नमक और 1/2 कप दही, इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने दही को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 6 काजू 6 बादाम और तेल को भिगो के रखा था और फिर उसे पीस लिया था, इस तरह का पेस्ट बना लिया, फाइन पेस्ट, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसे चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, सबको चला लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब मिल्क डालेंगे, मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही रिच आता है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच घर की मलाई ऐड कर रही हूँ, इसे हम चला लेंगे। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी क्रश करके, इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बड़ी वाली मिर्ची, मैं इसे लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसका क्रंचीनेस बरकरार रहे, और फिर हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। पनीर भी पक गया है, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और 1 चम्मच बटर, इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए हमने इसमें बटर ऐड किया है। हम सबको मिक्स करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे डिश आउट कर देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने रेस्टोरेंट और ढाबे की फेमस मलाई पनीर
तैयार कर ली। आप लोग भी इसे बनाएं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।